जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं नीतीश चंद्रा आप सभी के समक्ष उपस्थित हो चुका हूं एक बार फिर से एक नई बुक का रिव्यू करने के लिए। और यह बुक है रुक्मिणी प्रकाशन के भौतिकी विज्ञान, भौतिक विज्ञान की। ये पुस्तक आपको पहले भी इसका फर्स्ट एडिशन आपको करीब 2020 में निकला था और दो ढाई वर्षों के बाद इसका रिवाइज एडिशन आपके समक्ष उपलब्ध है फिर से। तो इसका रिवाइज एंड अपडेट एडिशन ये है। तो इसके रिवाइज की ज़रूरत क्यों हुई? तो सबसे पहला बात, रिवाइज की ज़रूरत इसको इसलिए हुई क्योंकि पहला एडिशन था उसमें आपको निकले हुए उसको 2-3 वर्ष हो भी गए और उसके बाद ढेर सारी परीक्षाएं हुई, उसमें काफ़ी सारे नए क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। तो उन प्रश्नों को इसमें समाहित करने के लिए आपको इसके एडिशन की ज़रूरत थी, इसके रिवाइज एडिशन को निकालने की फिर से आवश्यकता थी। और काफ़ी सारे चीज़ें थ्योरी में भी, कोई भी बुक अगर निकलता है तो पहले एडिशन में वह परिपूर्ण नहीं हो सकता, हर एडिशन में उसमें कुछ ना कुछ नया होता रहता है और काफ़ी सारी नई चीज़ें इस बार भी इस एडिशन में, इस पुस्तक में भी समाहित किया गया। सबसे पहले तो आपको थ्योरी का काफ़ी विस्तृत रूप इसमें दिया गया है और इस विस्तृत थ्योरी में आपको काफ़ी सारी चीज़ ऐसे जोड़ी गई है इतने बेसिक अंदाज में, इतनी सरल भाषा में कि अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आप बिना कोचिंग क्लास वगैरह कुछ किए भी आप इतनी आसानी से चीज़ों को समझ जाएंगे कि अगर आप नहीं भी कहीं क्लास किए होंगे तो फिर भी आपके लिए फिजिक्स क्या होगा, आसान होगा। यानी यह आपको एक सफल छात्र ही नहीं बनाएगा बल्कि एक आपको उत्तम छात्र फिजिक्स में बना देगा कंपटीशन में। और किसी भी एग्जाम में, टेक की परीक्षा देने जा रहे हो, नॉन टेक की परीक्षा देने जा रहे हो, किसी भी परीक्षा के लिए आपको हर लेवल का फिजिक्स के क्वेश्चंस जो भी होंगे, यहाँ तक कि आपको NDA वगैरह के भी फिजिक्स इसमें आपको इतने विस्तृत रूप में दिया गया है कि आपका इसमें कवर हो जाएगा। तो ये बुक क्यों, क्या क्या इसमें खास है वो हम आपको बतलाने वाले हैं। तो सबसे पहले पिछले बार जो क्वेश्चन था वो आपको करीब 8000 या 9000 के आसपास शायद इसमें क्या थे, क्वेश्चंस थे पिछले एडिशन में। इस बार आपको काफ़ी बड़ी संख्या में, काफ़ी क्या है, बड़ी संख्या में क्वेश्चंस है और ये आपको 10,500 प्लस हो गया है। सबसे पहला आकर्षण का केंद्र तो इसका यह है कि आपको 10,500 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस हो गए हैं और ये चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट सबसे पहले दिया गया हर चैप्टर को। अभी हम आपको अंदर के पेज का भी दिखाएंगे कि कैसे चीज़ों को समेटा गया है। सबसे पहले आपको हर चैप्टर का डिटेल्ड वे में और सरल भाषा में थ्योरी है और किसी भी अगर टीचर से भी आप पढ़ेंगे तो नोट्स वगैरह भी अगर आप लिखते हैं तो उस हर नोट्स से आपको डिटेल्ड होगा क्योंकि ये पुस्तक लिखा गया है पटना में, काफ़ी लंबे वर्षों से पढ़ा रहे हैं शशांक शेखर सर, उनके द्वारा ये लिखा गया है, काफ़ी अनुभव इनको रहा है फिजिक्स का, तो इनके द्वारा ये बुक लिखी गई है। इसमें से आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व आपको, तो ये आप सबसे पहला क्या चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट, दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PQY इसमें आपका है जो कि आपका सबसे अहम हिस्सा इसका है। सबसे पहले आप थ्योरी पढ़िए, फिर क्या करिए, प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर को बनाइए और देखिए कि आपको पूछे गए प्रश्नों में आपकी कहां तक पकड़ है, इस चीज़ को आप खूब अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे। तीसरी चीज़ कि इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है, यानी जो चीज़ें आज तक नहीं पूछी गई है, NCERT को कवर करने का पूरा प्रयास किया गया है और NCERT से जो नए क्वेश्चंस बन सकते हैं जिसको भविष्य में पूछने की संभावनाएँ हैं वैसे प्रश्नों को भी इसमें दिया गया है। तो फ्रेम्ड क्वेश्चंस भी आपको इसमें मिल जाएंगे काफ़ी सारे, प्रीवियस सबसे ज़्यादा, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि फ्रेम किए गए हैं और फिर उसका एक्सप्लेनेशन, हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी किया गया है और उस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन जो है वह आपको एकदम वन लाइनर अप्रोच में है, यानी सरल भाषा में, सुपाच्य भाषा में, सुस्पष्ट है, यानी एक बार पढ़िए सीधा दिमाग में आपके टिकेगा, कोई झंझट वाली बात इसमें नहीं होगी। किस किस परीक्षा के लिए होगा, तो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका यह कारगर होगा, चाहे आप रेलवे की बात करें, SSC की, BSSC, स्टेट पावर कॉरपोरेशन, स्टेट पुलिस, CTET, STET, BPSC, UPSC इत्यादि, कोई भी कंपटीशन परीक्षा हो, जहां भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम पूछा, ऑब्जेक्टिव साइंस का क्वेश्चन, फिजिक्स का पूछा जाएगा, वहां आपको हर एग्जाम में यह बुक क्या होगा, कारगर होगा। आगे हम बात करते हैं, आपको देखते हैं कि लेखक की कलम से सर के द्वारा कुछ इस चीज़ों को, बुक के बारे में लिखा गया है, उन चीज़ों को आप जब बुक खरीदेंगे तो पढ़ेंगे। मेरे पास इस वक्त बुक है भी, आप देख सकते हैं कि इसमें करीबन टोटल पेजेस कितने हैं, तो 432 पेजेस हैं, 432 पेजेस हैं और ये मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ अंदर भी कि इसमें क्या क्या
है। तो बुक में क्या कुछ है ये आप देख सकते हैं, लेखक की कलम से लिखा गया, इसको आप पढ़ लीजिएगा डिटेल्ड में। उसके बाद फिर इसके कंटेंट्स को, किसी भी किताब के कंटेंट्स को देखना काफ़ी अहम होता है। इसके कंटेंट को आप देखेंगे तो सिलेबस को सबसे पहले एक्सप्लेन करके पूरी तरह से एक्सप्लेन वे में लिखा गया है। सबसे पहले क्या है तो इसमें सूत्र है, सूत्र कैसा कैसा, तो भौतिक विज्ञान के सूत्र, विज्ञान, फिर आपका स्टैटिक टाइप का टॉपिक जो है, जैसे वैज्ञानिक उपकरणों की सूची, उसके आविष्कारक वगैरह, तो आविष्कार एवं आविष्कारक, महत्वपूर्ण खोज, मात्रकों के पूर्व लग्न यानी प्रीफिक्स ऑफ यूनिट्स, रूपांतरण गुणांक, महत्वपूर्ण भौतिक नियतांक के मान, ये सभी चीज़ें आपको इसमें है। उसके बाद पहला चैप्टर जो है, पहला चैप्टर मात्रक एवं बीमा है, उसका पूरा थ्योरी है, जिसमें आपको भौतिक राशि, कुछ प्रमुख बीमा, निम्न भौतिक राशियों की बीमाएँ, सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम, सारी चीज़ें आपको इसमें है। और उसके बाद फिर इस टॉपिक का आपको पूछा हुआ और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेम्ड क्वेश्चन भी आपको इसमें मिल जाएंगे, तो उसको हम लोग देखते हैं। हर चैप्टर्स को आप देखते जाइएगा। दूसरा है सदिश, सदिश फिर आपका गति, फिर प्रक्षेप्य गति, लिफ्ट, उत्तोलक एवं सरल मशीन, घर्षण, न्यूटन के गति नियम, वृत्तीय गति एवं घूर्णन गति, घूर्णी गति एवं संघट्य, कार्य ऊर्जा एवं शक्ति, गुरुत्वाकर्षण, सरल आवर्त गति, पदार्थों के गुण एवं प्रत्यास्थता, पृष्ठ तनाव, दाब घनत्व एवं प्लवन, श्यानता, तरंग एवं उसके गुण, ध्वनि तरंग के विशेष गुण, तापमिति प्रसार व कैलोरी मिति। उसके बाद आपका गैसों का सिद्धांत पूरा, स्थिर विद्युत, विद्युत धारा कौष्मीय व रासायनिक प्रभाव, चुंबकत्व, आपका किरण प्रकाशकी एवं तरंग प्रकाशकी, विद्युत चुंबक प्रेरण व प्रत्यावर्ती धारा, इलेक्ट्रॉनिक्स, आधुनिक भौतिकी, इलेक्ट्रॉन, फोटोन, आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव व एक्स किरण इत्यादि है। अब हम आपको थ्योरी दिखा देते हैं कि फार्मूला वाला जो हमने कहा है कि फार्मूला इसमें पहले दिया हुआ है, तो वह फार्मूला आपको किस रूप में दिया गया है, सरसरी निगाह से आप इसे देखते चलेंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं कि फार्मूला आपको पूरा एक एक पॉइंट्स को, एकदम पॉइंट वाइज फार्मूला को यहाँ कलेक्ट कर दिया गया है, और जितना फिजिक्स में फार्मूला हो सकता है ज़रूरत आपको प्रतियोगिता परीक्षाओं में, वहाँ आपको उतना फार्मूला दिया गया। आप देख सकते हैं कि 2 से 2.5 पेज में करीब फार्मूला है। उसके बाद आपको वैज्ञानिक उपकरण, आविष्कारक का नाम, उपयोग उसका क्या है, ये दिया गया है। तो फिर आविष्कार एवं आविष्कारक, किस यंत्र का आविष्कार या किस टूल्स का आविष्कार किसने किया, ये सब आपको पूरा दिया हुआ डिटेल्ड वे में। तो स्टैटिक्स साइंस का जो पार्ट है वह भी एक प्रकार से आपको शुरू में यहाँ दे दिया गया है। उसके बाद अगर आप पहले चैप्टर पर आए तो पहला चैप्टर का थ्योरी देख सकते हैं, मात्रक एवं बीमा एकदम क्या है, टू द पॉइंट चीज़ों को समेटा गया है, टू द पॉइंट्स, डिफिनेशंस की बात हो, एग्जाम्पल्स की बात हो, सभी कुछ क्या है इसमें, फिर जहाँ टेबल्स की जरूरत हुई है टेबल को भी इसमें ऐड किया गया। और आप पूरा थ्योरी देख लें, मात्रक एवं बीमा का ये थ्योरी है, 3 पेज में आपको करीबन थ्योरी था। उसके बाद फिर आप देखेंगे तो क्या है, आपको पूछा हुआ प्रश्न है, और हर पूछे हुए प्रश्न का, जैसे आप देख लें कि पहला क्वेश्चन क्या है, खगोलीय दूरी का मात्रक क्या है, फिर उसके 4 विकल्प जैसे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वैसे ऑब्जेक्टिव्स हैं, और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पॉइंट में आपको क्या है, उसका सॉल्यूशन किया गया है। 7 पॉइंट में उसका सॉल्यूशन किया गया, और केवल यही प्रश्न नहीं, हर प्रश्न को उसी प्रकार से एकदम डिटेल्ड वे में क्या किया गया, सॉल्यूशन किया गया। और जितने चैप्टर्स हैं हर चैप्टर्स का ठीक इसी प्रकार से डिटेल्ड थ्योरी, फिर ऑब्जेक्टिव पूछे हुए और फ्रेम्ड करके एनसीईआरटी बेसिस पर, मैं बार बार जोर कर रहा हूँ क्योंकि हर एग्जाम में आजकल एनसीईआरटी की भूमिका काफ़ी ही अहम रही है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए एनसीईआरटी के आधार पर इस प्रश्न को बनाया गया है। तो कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे हो, खास करके अभी रेलवे की जो भी अपकमिंग वैकेंसी है, उस रेलवे की अपकमिंग वैकेंसी के लिए एसएससी की वैकेंसी रेगुलर है, या फिर अन्य कोई भी सेल भेल गेल टीजीटी पीजीटी कहीं भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं जहां साइंस पूछा जाएगा, फिजिक्स पूछा जाएगा, तो निश्चित तौर पर आप इस बुक को जरूर पढ़िएगा, क्योंकि आपके हर मर्ज की दवा इसमें है। फिजिक्स के आपके जितने भी दुख दर्द हैं उन सारे दुख दर्द की दवा इस बुक में आपको अकेले सिर्फ और सिर्फ यही फिजिक्स पढ़ना है। फिर फिजिक्स के नाम पर कोई आपको बुक नहीं पढ़ना है। ऐसी ही केमिस्ट्री की बुक भी आएगी जल्द ही 2-3 दिनों में, और फिर बायोलॉजी की भी बुक आएगी। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये 3 बुक आप पढ़ेंगे, इन 3 चीज़ से बाहर आपको साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए फिर कुछ नहीं पढ़ना है, ना थ्योरी ना ऑब्जेक्टिव और कुछ भी नहीं, केवल और केवल सेट प्रैक्टिस करेंगे। और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इसमें है ही है, तो प्रीवियस ईयर के लिए भी आपको बहुत चिंतित नहीं होना पड़ेगा। तो आपकी सफलता में आपका साथी रुक्मिणी प्रकाशन, और रुक्मिणी प्रकाशन की ये बुक हो, शशांक शेखर सर का ये बुक हो, सर आपके साथ हो,
इसलिए इस बुक की जो विशेषताएं थी उससे हम आपको रूबरू कराने के लिए आपसे जुड़े थे। आप चंद्रा ट्रिकी जीएस यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर आपको यह चैनल और ऐसे वीडियोज आपको अगर प्रभावी लगते हों आपके लिए तो सब्सक्राइब जरूर करते चलिएगा। मिलेंगे फिर, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।